नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से BSNL को रिवाइवल पैकेज दिया गया था 1.64 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, इस रिवाइवल पैकेज को मिलने के बाद BSNL जो है वो अपने 4G और 5G सर्विस को पैन इंडिया बेसिस लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से BSNL के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से एकदम स्ट्रेट बताया गया है कि अगर कोई BSNL के कर्मचारी BSNL के अंदर सही ढंग से काम नहीं कर रहे तो उसे कंपनी से निकाला जाएगा, उन्हें अर्ली रिटायरमेंट जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से BSNL को ये बोला गया है कि BSNL मेनली कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसे जल्दी से जल्दी देखे और उसे सॉर्ट आउट करे। तो दोस्तों, BSNL का नया स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है अपने 4G और 5G सर्विस को लेकर, गवर्नमेंट किस तरीके से BSNL को मेनली कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव काफ़ी ज़्यादा तत्पर हो चुका है BSNL के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया है स्टेट एंड टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL को किसी भी तरीके से रिवाइव करना है, क्योंकि आने वाले जो टाइम होने वाला है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन टाइम होने वाला है और गवर्नमेंट के पास एक टेक्नोलॉजी कंपनी तो रहने ही वाले जो कनेक्टिविटी कंपनी है। हमने देखा 2020 साल के अंदर जब पैंडेमिक टाइम आया तब जो टेलीकॉम कंपनीज है वो मेनली हमारे जो इकोनॉमी है उसका बैकबोन बना था, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी के बिना आपस में किसी भी तरीके का कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो रहा था। तो वैसे एक टाइम के अंदर BSNL को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए इसके बारे में बातचीत यहाँ पर चल रहा था। 2019 साल के अंदर BSNL को 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज मिला था और अभी के टाइम के अंदर 1,64,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज BSNL को मिला है, जिसके अंदर BSNL मेनली इंडिजीनियस वे से अपने 4G और 5G को लॉन्च यहाँ पर करने वाला है। मेनली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS की मदद से BSNL अपने 4G और 5G सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनकी तरफ से डायरेक्टली बताया गया कि BSNL के हर एक एम्प्लॉयज को ये सोचना चाहिए कि कस्टमर इज द किंग। जो भी मेनली इस कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर रहते हैं उनको पता है कि कस्टमर इज द किंग। सिमिलर बात को BSNL के एम्प्लॉयज को भी अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर की किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स BSNL को अपने खुद के प्रॉब्लम्स मानना होगा, उसे जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ पर सॉर्ट आउट करना होगा, ऐसा मेनली अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से बताया गया। उसी के साथ साथ वैष्णव जी की तरफ से डायरेक्टली BSNL को यह टारगेट दिया है कि जितना जल्दी हो सके 200 मिलियन का जो सब्सक्राइबर मार्क है उसे BSNL टच करे। आज के डेट के अंदर BSNL के पास 112.85 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जिसके अंदर अगर मैं एक्टिव सब्सक्राइबर की बात करता हूँ वो है सिर्फ 58.85 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 5,90,00,000 जो है वो मेनली एक्टिव सब्सक्राइबर है BSNL के पास। अगर मैं टोटल मार्केट शेयर की बात करता हूँ तो 9.85% का मार्केट शेयर है BSNL के पास, और BSNL और MTNL ये दो कंपनी को अगर मैं एक साथ पकड़ के चलूँ तो 10% के आसपास मार्केट शेयर ये दोनों कंपनी के पास, दोनों स्टेट ओन कंपनी है, दोनों गवर्नमेंट ओन कंपनी है। लेकिन वैष्णव जी की तरफ से यहां पर बताया गया है 4G और 5G लॉन्च होने के साथ साथ BSNL को 200 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ कस्टमर्स को जो अपने से जुड़ना है और टोटल मार्केट शेयर 20-25% को यहां पर एक्वायर करके रखना है। देखिए, BSNL को एक कंपिटिटिव एडवांटेज यहां पर मिल जाएंगे कि नंबर वन BSNL गवर्नमेंट ओन कंपनी है, BSNL के जो प्लान्स का प्राइसिंग है वो काफ़ी सस्ते हैं, मतलब बाकी प्राइवेट कंपनियों से ऑलमोस्ट आधे दाम के अंदर आपको BSNL के प्लान्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, BSNL जो यहाँ पर 4G और 5G सर्विस को लॉन्च कर रहा है वो TCS के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च कर रहा है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है वो पूरे तरीके से भारत के अंदर बना हुआ है। तो सिक्योरिटी के मामले में BSNL काफ़ी आगे रहने वाले हैं, जहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो फॉरेन के वेंडर्स है वहाँ पर से अपने प्रोडक्ट्स जो वो लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयरटेल वोडाफोन आइडिया कंपनी बात करता हूं, वो मेनली नोकिया सिस्को इरेक्सन इस तरीके की कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, जियो जो है वो सैमसंग के साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये जो सारे कंपनीज है ये मेनली फॉरेन के कंपनीज है, फॉरेन वेंडर से, तो वहां पर एक सिक्योरिटी कंसर्न तो रह ही जाते हैं। लेकिन BSNL यहां पर जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो वो TCS बना रहा है और जो इक्विपमेंट्स यहां पर बना रहा है वो लोकल कंपनीज बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल तेजस नेटवर्क, उसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोकल कंपनीज जो यहां पर बना रहा है। लोकल कंपनीज का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो चीप क्वालिटी का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है,
तो ये आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे BSL का ये नेटवर्क। उसी के साथ BSL को अपने ब्रॉडबैंड इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पर किया गया, क्योंकि देखिए BBNL के साथ BSL का मार्जर जो है वो BSL को और एक कम्पिटिव एडवांटेज देंगे ओवर जियो फाइबर और एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर। क्योंकि देखिए BBNL जो वो गांव-गांव तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, अगर उस नेटवर्क को BSL यूज़ करे तो BSL अपने ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड को गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं और एक हाई क्वालिटी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी देखते हैं BSL के एम्प्लॉयज किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर यहाँ पर BSL को मिल चुका है कि उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त काम करना होगा, किसी भी तरीके का कस्टमर्स के प्रॉब्लम उन्हें अपने प्रॉब्लम मानना होगा और जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना होगा। अगर कोई एम्प्लॉयज ऐसा ना करते हैं तो उन्हें अर्ली रिटायरमेंट देकर BSNL कंपनी से निकाला जाएगा। तो ये सारे अपडेट्स हमारे पास निकल कर रहा था BSNL 4G और 5G से रिलेटेड, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उससे मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।